हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इन्फॉर्मेटर का प्रॉब्लम। जो टच पैनल काम कर रहा है, मेनू तो बराबर आ रहे हैं, पर इसमें देखिए 21 से लेके 60 तक के स्पिंडल वर्किंग दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन में है, और 1 से लेके 20 तक डिफाइंड हो गए हैं, पर फिर भी स्पिंडल चल रहे हैं। 1 से 20 में कुछ 8-10 स्पिंडल बंद है, बाकी चल रहे हैं, पर इन्फॉर्मेटर में वो ग्रुप डिफाइन दिखा रहा है। ऐसे में ये देखिए, बाकी स्पिंडल स्विच ऑन है लेकिन बंद ही है, और अगर हम लॉट एंड भी करते हैं तो लॉट एंड नहीं हो रहा है। अभी हम जो स्पिंडल बंद है वह स्पिंडल वाइंडिंग यूनिट डाटा में जाके देखेंगे। वह वाइंडिंग यूनिट डाटा में वेटिंग फॉर स्टार्ट दिखाता है। ये देखिए, वेटिंग फॉर स्टार्ट दिखा रहा है। इसके लिए हमको इन्फॉर्मेटर रिसेट मारना पड़ेगा। इन्फॉर्मेटर रिसेट मारने से पहले सीएफ कार्ड में डाटा कॉपी करना पड़ेगा, इसलिए हम ये ब्लैंक वाला सीएफ कार्ड डाल देते हैं जो कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। इसमें अगर पहले कुछ है तो उसको इरेज करना पड़ेगा। इसके लिए प्रोग्राम ट्रांसफ़र में जाएंगे। प्रोग्राम ट्रांसफ़र में जाने के लिए हमको इंजीनियरिंग की या सर्विस की देनी पड़ेगी। वह देने के बाद में ये देखिए, नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है क्लियर का, इसलिए इसमें का डाटा हमको क्लियर करना पड़ेगा। यह डाटा क्लियर करने के बाद में अभी हम स्पेशल की जो है उसमें जाके, इसके लिए हमको इंजीनियरिंग की देनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग की देने के बाद में कॉपिंग ऑल में जाके हमको डाटा कॉपी करना पड़ेगा। सीएफ कार्ड में डाटा कॉपी करने के बाद जो इन्फॉर्मेटर का प्रिंटर प्रिंटर होता है, वहाँ पे एक पतला सा होल होता है। वो होल में आपके पास जो कुछ पतली चीज़ है, जैसे पेन की रिफिल या कुछ, इससे आप इन्फॉर्मेटर रिसेट कर ले। इन्फॉर्मेटर रिसेट बटन दबाने के बाद में रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद में पहले आपको इसका लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज जर्मन में चला जाता है। इसको इंग्लिश करना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज करने के बाद में फिर जो सीएफ कार्ड में डाटा कॉपी किया था वो लगा के, फिर स्पेशल की जो होती है उसमें जाके आपको डाटा रिकॉपिंग करना पड़ेगा। डाटा कॉपी करने के लिए हम पहले मशीन स्पेसिफिकेशन डाटा कॉपी करेंगे। ये देखिए, स्पेशल में जाके मशीन का स्पेसिफिकेशन डाटा हम कॉपी करेंगे। यह डाटा पूरा कॉपी होने के बाद में इसमें ऑप्शन आएंगे, उसमें से राइट वाला जो एस रहता है उसको दबा के इन्फॉर्मेटर वापस रिस्टार्ट होगा।
इन्फॉर्मेटर रिस्टार्ट होने के बाद में इसमें स्पेसिफिकेशन डाटा आ जाएगा, फिर वाइंडिंग यूनिट डाटा रह जाता है या वाइंडिंग का डाटा जो है वो रह जाता है। इसके लिए हमको वापस इंजीनियरिंग की दबा के स्पेशल की में जाके यह डाटा कॉपी करना पड़ेगा। ये डाटा कॉपी करने के बाद में रिस्टार्ट इन्फॉर्मेटर नहीं होगा, इसलिए हम अभी इसका लॉट स्टार्ट करेंगे। और देखिए लॉट स्टार्ट हो गया है।